खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, रुके हुए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए जम के मेहनत करिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आज मित्रों से, माँ से, ननिहाल से मदद भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। बस एक छोटी सी सावधानी उन लोगों को जरूर बरतनी है जिनके संबंध उनकी माताजी के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं, जिनकी माताजी बीमार चल रही हैं, या जो किसी से बदला लेना चाहते हैं, उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखकर चलना होगा, नहीं तो परेशानियां आपके खिलाफ बढ़ जाएंगी। उपाय क्या करना है? दूध और दूध से बनी हुई चीजों का दान कीजिए। आगे बढ़िए। वृषभ राशि, थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ से ध्यान रखने वाला दिन है ये, बाकी कुल मिला के समय अच्छा है, मन उलझा रहेगा, लेकिन आप बहुत बड़ी चीजों को करने में रुचि लीजिए, छोटी मोटी चीजों में उलझने की आज आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एक सावधानी जरूर बरतनी है, ठंडी चीजों से परहेज रखें और कुछ लोग आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, आपको राह से भटकाने की कोशिश करेंगे, उन पर ध्यान ही मत दीजिएगा। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, माँ दुर्गा की उपासना आराधना करके अपने काम पर जुटिए। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं है, चलते चलते काम रुक सकते हैं या बनता बनता काम अटक सकता है, लेकिन फिर भी भाग्य पक्ष ठीक है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक सावधानी जरूर बरतें, हो सकता है कोई व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर पाए, लेकिन आपको वाद विवाद में नहीं उलझना है। उपाय क्या करना है? कच्ची सब्जियों का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करते हैं। कर्क राशि, बड़ा विचलन रहेगा, इधर उधर मन भटकेगा, स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे, आलस्य आपको घेरने की कोशिश करेगा, इस वजह से काम रुकेंगे, लेकिन एक सावधानी बड़ी विशेष है, इस दिन किसी के बारे में कुछ कहने से पहले बहुत सोच लीजिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जप करके फिर दिन शुरू करना। सिंह राशि, आपके लिए दिन अच्छा है, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा, लेकिन एक छोटी सी सावधानी आपने जरूर बरत लेनी है और वो ये है कि इस दिन वाद विवाद में नहीं उलझिएगा और कोई भी धन आदि किसी को देने से पहले बहुत अच्छे से सोच समझ लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन कच्ची सब्जी का दान जरूर कर दीजिएगा और सूर्य को जल्दी देकर ही अपने काम पर जुटिएगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन कोई अच्छा नहीं कहा जा सकता, अचानक कोई आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, इस दिन वैसे कुछ खास लोगों से मेलजोल या भेंट संभव है और उससे आपको लाभ भी हो सकता है, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतनी है, इस दिन बिजली से, आग से, केमिकल से बच के रहना है और दूसरी चीज, किसी को धन उधार नहीं देना है। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? ओम गंगणपताय नमः का जप कीजिए, हरे रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधिए, फिर काम बचती है। तुला राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है, रिश्ता भी कोई जुड़ सकता है, प्रेम संबंधों संबंधी बात भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन एक सावधानी रखनी पड़ेगी, इस दिन एक तो पेट का अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा और उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं, बहुत जल्दबाजी में निवेश संबंधी कोई निर्णय मत लीजिएगा, नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन आप ओम गंगणपताय नमः का जप करेंगे और पके हुए भोजन का दान जरूर करेंगे, भोजन की थाली में बेसन की मिठाई या बेसन की सब्जी अवश्य हो। वृश्चिक राशि, क्रोध नुकसान दे सकता है, धार धार चीजों से थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, वैसे कुल मिला के समय ठीक है, लेकिन एक सावधानी फिर भी बरतें, ऐसी चीज जो जलन पैदा करती हो, चाहे वो गरिष्ठ भोजन हो, चाहे वो अग्नि हो, केमिकल हो, इन सब से थोड़ा सा दूर रहिएगा और इस दिन अपनी ओर से कोई वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है और यदि आपका ससुराल पक्ष है तो ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध रखिएगा। उपाय क्या करना है? ओम हंग हनुमते नमः का भी जप कीजिए और उसके बाद एकाग्र चित्त होकर ध्यान करके फिर अपने काम पर जुटिए। धनु राशि, थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है, ये दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है और साथ ही साथ निवेश करने में अलर्ट भी रहना होगा, एक छोटी सी सावधानी जरूर बरत लीजिएगा,
इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनसे अपने संबंधों का ख्याल रखें। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए? आटे और हल्दी का दान जरूर करिए। मकर राशि, ये वक्त आपके लिए अच्छा है, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल रहे हैं। हाँ, कुछ बाधाएं आएंगी, कोई बात नहीं, वह पार भी हो जाएंगी, बस आप मन छोटा मत कीजिएगा। एक सावधानी, इस दिन वाहन ध्यान से चलाएं और अपना कीमती सामान किसी को देने से पहले अच्छे से सोच लें। उपाय क्या करना है? काले कपड़े में मिश्री भरकर किसी को उपहार जरूर दीजिए। कुंभ राशि, बड़े भाई बहनों से कहीं कोई समस्या हो सकती है, साथ ही साथ जिन लोगों को गर्दन, कंधे और या पीठ की दिक्कत रहती है वो लोग भी इस दिन विशेष रूप से सावधानी बरतें। वैसे कुल मिलाकर वक्त है अच्छा, बस एक छोटी सी सावधानी धन को लेकर जरूर बरतिएगा, रिश्तों को लेकर जरूर बरतिएगा, क्योंकि इस दिन धन और रिश्ते खराब होने के योग हैं। उपाय क्या करेंगे? उपाय कीजिए, सब ठीक होगा। उड़द की दाल का दान कीजिएगा, ओम नमः शिवाय का जप कीजिएगा, मन शांत कीजिएगा, काम पे जुट जाइएगा, प्रभु जी आपकी समस्याएं ठीक कर देंगे। मीन राशि, ये वक्त आपके लिए खूब अच्छा है, खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने के अच्छे मौके आपको मिलेंगे, लेकिन एक सावधानी, भाग्य पक्ष कमजोर, इसलिए कोई बड़ा रिस्क एकदम से मत लीजिएगा, अच्छे से सलाह मशवरा करके लीजिएगा। और हाँ, नया रिश्ता तो इस दिन नहीं जुड़े तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए? एक तो कैप पहन के रहें, पीली कैप हो तो बहुत ही अच्छा है, और साथ साथ एक काम और कर लीजिएगा, हल्दी का तिलक मस्तक पर लगा के फिर काम पर जुटिएगा।